हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। ठीक है, बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बीसीए का ये कौन सा क्लास है? ये आपका सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? आम बोलचाल। ठीक है, जैसे हम लोग बोलचाल करते हैं, बातचीत करते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिकेशन मतलब कि आपको कैसे वहाँ पर बातचीत करनी है, अपने सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से कैसे बातचीत करनी है, तो ये होता है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसा कि सामने लिखा है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन एक ये प्रोसेस है कि उससे हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। किसका? इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, किस किस तरीके से? बाय मींस ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, जेस्चर और बाय अदर। ठीक है, लिखने से, बोलने से, या इशारों के तहत, या और भी कोई माध्यम हो सकता है। ठीक है, जैसा कि इस समय हम लोग का कौन सा मोड ऑफ चल रहा है कम्युनिकेशन, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी तरफ से स्पीकिंग है, आप लोग मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या है? विजुअल है और हियरिंग है। ठीक है, बाय अदर मींस। ठीक, अब एक चीज और लिखिए, इट इज एसेंशियल टू सर्वाइव। अगर आपको सोशल लाइफ में रहना है, ठीक है, सर्वाइव करना है, तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट है। बिना उसके हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें एक आइडिया आया, ठीक है, और वो आइडिया हमें दूसरे को बताना है, तो वो किसके जरिए होगा? कम्युनिकेशन। किसके जरिए होगा? कम्युनिकेशन के जरिए ही होगा। ठीक है, अब उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, पर होगा वो क्या? कम्युनिकेशन ही होगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा? किसी को कोई लेटर देना है, तो लेटर किस कम्युनिकेशन में आ जाएगा? राइटिंग में आ जाएगा आपके। ठीक है, कहीं आप स्पीच दे रहे हैं तो वो स्पीकिंग में आ जाएगा। आप मूवी देख रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? विजुअल में। और हियरिंग, ठीक है, आप इशारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? जेस्चर में। तो ये सब क्या है? ये सब अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन ही हैं। ठीक है, लिखना, बोलना, देखना, सुनना और इशारे करना, ये सब क्या है? अलग अलग टाइप के ही कम्युनिकेशन है। ठीक है, आइए अब हम कारण क्या होते हैं कम्युनिकेट करने के, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट करने के क्या क्या कारण होते हैं? पहला क्या? किसी को कोई किसी चीज के बारे में बताना, टू इन्फॉर्म। किसी को किसी चीज के बारे में बताना, मान लीजिए आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको किसी को बताना है, दोस्त को बताना है, भाई को बताना है, घर में बताना है, टीचर को बताना है, अपने कलीग को बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? इन्फॉर्म, उनको भी बताएंगे। ठीक, टू एजुकेट, किसी को किसी चीज के बारे में एजुकेशन देना। ठीक है, जैसे आपको हम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। किस लिए? टू एजुकेट। टू रिलेट, रिलेट क्या है? मतलब आपकी बातों को कोई अगला समझे और उससे उसको भी कुछ समझ में आए, तर्क हो सके, रिलेट कर सके। आपको मान लीजिए कोई समस्या है तो आप अगले को बताएंगे, तो अगला उससे क्या करेगा? रिलेट कर पाएगा। तो किस चीज से वो है? कम्युनिकेशन से। ठीक है, मोटिवेट, आप लोग आजकल बहुत यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो भी देखते होंगे, तो मोटिवेशनल वीडियो क्या है? वो एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा है आपको, कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, कुछ काम करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, अगला क्या है? टू फैसिलिटेट इन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में कोई डिसीजन लेना है, अकेले नहीं ले पा रहे हैं हम, चार लोग से सलाह लेते हैं। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में भी क्या होता है? आपको कम्युनिकेशन ही मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया?
रीजन टू कम्युनिकेट में टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू रिलेट, टू मोटिवेट, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अगर इसमें से आप कोई भी काम कर रहे हैं इस सब में से, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप डे टू डे लाइफ में भी क्या करते हैं? कम्युनिकेशन ही करते हैं। सुबह उठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाना भी क्या है? कम्युनिकेशन है। आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आपने उसको देखा, पढ़ा, तो वो क्या है? वो भी एक कम्युनिकेशन है। किस प्रकार का कम्युनिकेशन है वो? वो है विजुअल एंड रीडिंग, ठीक है, क्योंकि वो देखिए रिटन फॉर्म में होता है मैसेज आपका, रिटन फॉर्म में। तो रिटन फॉर्म में है तो पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? रीड, ठीक है। और रीड बिना देखे तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? विजुअल और रीडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैसेज लिखे हुए फॉर्म में आता है। अगर मैसेज मान लीजिए किसी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजा है, किस फॉर्म में? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें फिर आपका रीडिंग की जगह क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा विजुअल तो रहेगा ही नहीं, रिकॉर्डिंग में विजुअल नहीं रहेगा, रिकॉर्डिंग में क्या रहेगा? सिर्फ हियरिंग, ठीक है। विजुअल किसमें आएगा? विजुअल आएगा अगर आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये समझ लीजिए वॉइस रिकॉर्डिंग है, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में सिर्फ हियरिंग। और अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्या है? वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा? आपका विजुअल हो जाएगा क्योंकि हमें देखना है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? और हियरिंग हो जाएगा, क्योंकि जो भी वीडियो है वो आवाज भी करेगी। गाना सुनना, टीवी देखना, ठीक है, पिक्चर देखना, ये सब क्या होता है? आपका वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत होता है विजुअल हियरिंग, ठीक है दोस्तों। ये सब क्या हो जाता है? हमारा विजुअल हियरिंग में आता है। तो ये आपका एक तरीका हो गया, ठीक है। हम लोग देखेंगे कुछ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, मॉडल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जैसे मान लीजिए टू इंटरटेन, ठीक है, किसी को इंटरटेन करना, वो भी क्या है? एक तरीके का कम्युनिकेशन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कम्युनिकेट ही करेंगे इंटरटेन करने के लिए, ठीक है। मोटिवेट हो गया, इन्फॉर्म हो गया, ठीक है। और क्या बचा है दोस्तों? रिपोर्ट, ठीक है, किसी को आप कोई रिपोर्ट करना है, मान लीजिए ऑफिस में है, कोई लेटर लिख रहे हैं तो रिपोर्ट है मान लीजिए, या कोई रिपोर्ट आप बना रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपका कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन पार्ट क्या हो गया? इन्फॉर्म करना, इंटरटेन करना, मोटिवेट करना, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ठीक है, रिपोर्ट बनाना, इंटरटेन करना, ये सब हो गया आपका किसमें? कम्युनिकेशन के ही कुछ मोड हो गए। और अगला मोड क्या है दोस्तों, किसी को कुछ पता है? लेटर राइटिंग, अब लेटर राइटिंग में आपके कई चीज इसी में आ जाएंगे, जैसे इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी को किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो आप लेटर के थ्रू दे सकते हैं, ठीक है, आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे, क्या बताएंगे कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो देने के लिए हमने आपको ये लेटर लिखा है। जैसे लेटर लिखा जाता है प्रिंसिपल को, टीचर को, कहीं ऑफिस में सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर को, तो आप क्या करते हैं? आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो आपके कम्युनिकेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? पहला होता है रिटन
और दूसरा होता है ओरल, ठीक है। रिटन का मतलब क्या होता है, लिखित, जो हम लिख के करते हैं, ठीक है। और ओरल का मतलब होता है जो बोल के करते हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ओरल है मेरी तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से भी लिखित नहीं है। रिटन कब होता है, जैसे ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं, ये हमने रिटन कम्युनिकेशन किया, हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ लिखते हैं कि मान लीजिए लिखते हैं कम्युनिकेशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हमने क्या लिखा, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, किसी की जिंदगी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या है, कम्युनिकेशन है। जो मैं बोल रहा हूँ वो ओरल कम्युनिकेशन में आएगा, जो लिखा है ये किस में आएगा, रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो बोलने वाला ओरल कम्युनिकेशन में और लिखित किस में आ जाएगा, रिटन में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और देखिए, मान लीजिए किसी को हम कोई वो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर, तो ऑर्डर भी दो तरीके का होगा, ठीक है। अगर आपको लिखित मिला है तो किस में हो जाएगा, रिटन में, या आपसे कोई काम करने के लिए कहा गया है तो वो किस में हो जाएगा, ओरल में, ठीक है। ऑर्डर हो गया, मान लीजिए आपको कोई क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन मिला हो, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्देश। आप लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें निर्देश या इंस्ट्रक्शन रहता है क्या, कि इस एग्जाम में आप नीली या काली पेन यूज करें, 3 घंटे में पेपर खत्म करना है या 1 घंटे में करना है, ठीक है। ये सब क्या होता है, आपके निर्देश दिए होते हैं। और लिखित में होते हैं तो आपके लिए वो क्या होता है, वो होता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। आप उसको देखते हैं तो विजुअल भी हो गया, पढ़ते हैं तो रीडिंग हो गया, पर आपके पास किस मोड में आया है, लिखित में आया है, तो वो क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि होता है एक वार्निंग होती है, ठीक है, एडवाइस होती है, ठीक है, वार्निंग हो गई, एडवाइस हो गया, ठीक है, या फिर हम कह देते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बार बार इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि सबसे जरूरी क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही होता है। कोई भी चीज़ आपको पता चलेगी इंफॉर्मेशन। हम बाय रोड ट्रेवल करते हैं तो जहाँ जाना होता है साइड में क्या लिखा होता है, कितने किलोमीटर हैं, या आने वाला शहर, तो वो क्या है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें कितना और चलना है। या हम मोबाइल में टाइप करते हैं कि हमें जहाँ जाना है GPRS पे, तो वो इंफॉर्मेशन देता है कि ये हमारा रूट है और हमें यहाँ पे जाना है। तो क्या बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 60 किलोमीटर, तो बताएगा 60 किलोमीटर 1 घंटा लगेगा। तो ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन है। वार्निंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई खतरा है कहीं पे, खतरनाक चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो चीज़ लिखी होती है ना उसको वार्निंग कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो एक तरह से हो जाएगी वो, कि आपको बता रही है कि आप वहाँ मत जाइए, वो काम मत करिए, ठीक है, पर वो क्या दे रही है, वार्निंग कर रही है, आपको वार्न कर रही है कि वहाँ पे मत ही जाइए, ठीक है। एडवाइस क्या होता है, सलाह। आपको जैसे भाई माँ बाप हैं, आपके गुरुजन हैं या मित्र हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको सलाह देते हैं। तो सलाह देना या सलाह लेना, ये भी क्या है, एक तरह का आपका हो गया कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना चीज़ें क्लियर हैं सबको, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्या मोड है, एनालाइज करना, ठीक है। किसी चीज़ को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए डिस्कशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो डिस्कशन करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट ही करना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए, ठीक है। अगला क्या है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी है, या घर में आप लोग छोटा मोटा फंक्शन कर रहे हैं, या कोई त्यौहार है, तो उसको भी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से मनाते हैं, ठीक है।
तो ऑर्गेनाइज तरीके से मनाने के लिए, किसी को क्रमबद्ध तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। लोगों में काम बांटने पड़ेंगे, डिपार्टमेंट बांटने पड़ेंगे, लोग उसी हिसाब से अपना अपना काम सिर्फ करेंगे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऑर्गेनाइज के लिए कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्या है, सजेशन। सजेशन क्या है, मान लीजिए हमें किसी को, कोई हमसे मदद लेने आया, हमने उसे सजेशन दिया, तो सजेशन देंगे कैसे देंगे, कम्युनिकेशन के ही थ्रू देंगे। ठीक है, चाहे रिटन में, चाहे ओरल में, चाहे जेस्चर में, वो डिपेंड करता है कि अगले को किस तरह का कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है और आप किस तरह का कम्युनिकेशन दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि कम्युनिकेशन में हमेशा दो पार्टी होती हैं, पहली होती है सेंडर और दूसरा कौन होता है दोस्तों, रिसीवर। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सेंडर कैसे करता है और रिसीवर तक मैसेज कैसे पहुंचता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज हो गया, सजेशन हो गया, अगला क्या है, परसुएशन। परसुएशन क्या मतलब होता है, टू कन्विंस, किसी को कन्विंस करना। कोई आपके पास आता है सलाह ले, ठीक है, कि मैं मान लीजिए कौन सा कोर्स करूं, तो आप उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, उसकी पढ़ाई लिखाई के बैकग्राउंड के हिसाब से उसे सजेशन देते हैं बेस्ट तरीके का, कि आप आगे क्या कर सकते हैं, या और कोई भी चीज़ करने आता है तो आप उसको ऐसा परसुएट करते हैं, आप ऐसा उसको मोटिवेट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो वही काम करे जो बेस्ट हो, किसके लिए, उसके लिए हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परसुएशन। अगला क्या है, मोरल बूस्टिंग। मोरल बूस्टिंग क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए मोरल मतलब होता है सम्मान। ठीक है, कि कोई भी आप काम करते हैं तो क्या हम अपने आप को झुका के नहीं करेंगे, ठीक है, अपने मोरल ग्राउंड पे ही रहेंगे। ठीक है, हम झुक के काम नहीं करेंगे, हमारा स्टेटस मेंटेन है उसी हिसाब से करेंगे, काम हमारे स्टेटस के हिसाब से होगा सब चीज़, तो इसको क्या कहते हैं, मोरल। ठीक है, तो जब मोरल बूस्टिंग होती है, कोई आपको उसके अच्छे से बताता है, आपका मोरल बूस्ट होता है, तो काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ठीक है, अगला क्या है, काउंसलिंग। अब देखिए, काउंसलिंग और सजेशन लगभग सेम है, पर काउंसलिंग का क्या मतलब होता है, द सजेशन इज गिवन बाय द प्रोफेशनल। ठीक है, किसके द्वारा, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होंगे ना, उनके द्वारा जब आपको सजेशन दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। आइए इसको थोड़ा और देखते हैं, यहां पे लिखते हैं सजेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं काउंसलिंग। ठीक है, सजेशन मतलब मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट्स, ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, by professional person। ठीक है, क्या हो जाएगा, by professional person। ठीक है, अब professional person क्यों कहा मैंने, क्योंकि वो वही काम कर रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए, working उसकी वही है, क्या, लोगों को suggestion देना। जब वो लोगों को suggestion देगा तो वो counseling कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो क्या हो जाएगा, नो फीस पेड। ठीक है, पर यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको फीस देनी पड़ेगी। फीस पेड क्यों, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो आपको सजेशन दे रहा है, उसने अपना ऑफिस खोल रखा है, आप वहां जाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, उसके एडवाइस के बदले आपको फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फीस पेड होती है, सजेशन में कोई फीस पेड नहीं होती है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस है किसमें, सजेशन में और काउंसलिंग में, कि ये कोई प्रोफेशनल आदमी देता है, यहाँ पे फीस देनी होती है, ये जान पहचान वाले लोग देते हैं और यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है सबका।
ठीक है। अब ऑर्गेनाइज का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई बर्थडे पार्टी है, क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे पांच लोग हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, पांचों लोग काम करेंगे, तो हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? ठीक है, हम ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, पांच लोग हैं तो कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट करने के साथ दोस्तों क्या करेंगे, सबको हम उनका उनका काम डिवाइड कर देंगे, ताकि कोई किसी के भी काम में क्या ना करे, प्रॉब्लम ना करे। जैसे आपके सब्जेक्ट हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है, और हर स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ता है तो अलग अलग टीचर हैं, तो क्यों, क्योंकि हर टीचर का काम क्या है, अलग है। उसी तरह बर्थडे पार्टी है, हमने काम ऑर्गेनाइज कर दिया, इनका काम है डेकोरेशन करना, इनका काम है केक लाना, इनका काम है रिटर्न गिफ्ट के लिए, इनका काम है खाने होना देखने के लिए, तो क्या है, अब सब लोग अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। और ये किसके थ्रू ही संभव है, कम्युनिकेशन के थ्रू, या इन लोगों को हम मैं क्या करूँगा, ओरल बताऊँगा क्या किसको काम है, या फिर लिखित में कि किसके पास क्या क्या काम है और वो काम हर आदमी को करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया किसका, हाउ टू यूज ऑर्गेनाइज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम ऑर्गेनाइज का कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये किस में हो गया, एग्जांपल हो गया किसका, ऑर्गेनाइज का, ठीक है। एक एनालाइज देख लेते हैं कैसे करते हैं, एनालाइज, एनालाइज मतलब क्या होता है, किसी भी सिचुएशन का, ठीक है, सिचुएशन को क्या करना, उसका निरीक्षण करना या जांच पड़ताल करना, उसको क्या कहते हैं, एनालाइज करना, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई आया, ठीक है, आपके पास कोई आया और वहाँ पे क्या सिचुएशन है, उसे कैसे पता चलेगा, उसे वो सिचुएशन आप बताएंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, आपको अगर मान लीजिए सिचुएशन आपसे सॉल्व नहीं हो रही तो अगले आदमी को भी सिचुएशन के बारे में पता होगा, तभी वो एनालाइज करके आपके डिसीजन मेकिंग में क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके लिए उसे एनालाइज करना पड़ेगा और ये किसके थ्रू होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के ही थ्रू होगा एनालाइज, आप उसको कम्युनिकेट करेंगे सिचुएशन और वो एनालाइज करेगा, फिर आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग ने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है, अब मोड कम्युनिकेशन से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, रीजन देख लिया करने का, क्या क्या कारण होता है, ठीक है दोस्तों। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, मतलब सेंडर कैसे मैसेज भेजता है, रिसीवर कैसे रिसीव करता है, बीच के क्या प्रोसेस है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।